दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार के निर्देश के अनुसार जो भी सिम कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होंगे वो बंद कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपने अभी तक मोबाइल फोन के सिम को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आप IVR इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस के जरिए घर बैठे सिम को आधार से लिंक कर सकते हैं। UIDAI ने इसके लिए नंबर जारी कर दिया है। यह नंबर 14546 है। आपको अपना आधार नंबर अपने पास रखना है और ये नंबर डायल करना है। नंबर डायल करने के बाद जैसे जैसे निर्देश मिले उसे फॉलो करते हुए आप खुद ही सिम को आधार से लिंक कर सकते हैं। यह प्रोसेस हिंदी और अंग्रेजी के साथ अन्य रीजनल भाषाओं में भी काम करेगा। अहम बात यह है कि आपके पास भले ही किसी कंपनी की सिम हो, आपका काम इसी नंबर से हो जाएगा। मतलब किसी भी कंपनी की सिम को आधार से लिंक करने के लिए सिम नंबर ही काम आएगा। आइए अब हम आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं। पहला स्टेप, अपने फोन नंबर से 14546 डायल करें। वॉइस रिस्पांस मिलने के बाद आपसे आपकी राष्ट्रीयता पूछी जाएगी। इसमें दो ऑप्शन होंगे, इंडियन नेशनल और NRI। आप अपने हिसाब से विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद आप अपने मोबाइल से एक डायल करें और सिम को आधार से लिंक करने की अनुमति दें। इसके बाद आपसे आपका 12 अंकों वाला आधार नंबर पूछा जाएगा, जिसे आपको अपने फोन से डायल करना होगा। और इसके बाद आपसे OTP का ऑप्शन पूछा जाएगा। उसके बाद आपको एक दबाना है। एक दबाने के बाद आपके नंबर पर एक OTP जाएगा। IVR पर ही आपके आधार से जुड़ी फोटो, नाम और डेट ऑफ बर्थ फेच करने की अनुमति मांगी जाएगी। आप इसके लिए हामी भरें। इसके बाद आपको आपके फोन नंबर के आखिरी 4 अंक बताए जाएंगे। अगर यह सही है तो आप यहां OTP फिल कर दें। अब आप री वेरिफिकेशन को पूरा करने के लिए एक दबाएं। बस आपकी सिम आधार से लिंक हो जाएगी। अगर आप किसी और नंबर को भी आधार से लिंक करना चाहते हैं तो 2 दबाएं। तो दोस्तों, इस तरह आप घर बैठे अपनी और अपने सभी परिवार के सदस्यों की सिम आधार से लिंक करके बंद होने से बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी को जरूर दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।